नव वर्ष के आगमन पर दतिया जिले के डे केयर सेंटर में आयोजित वृद्धजन सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन जनसंपर्क एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने वृद्धजनों का सम्मान शाल श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मिश्रा ने कहा कि वृद्धजन हमारे पूजनीय है, उनके जीवन के हर अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि आज के युग में समय का बहुत महत्व है, तकनीकी नीति आने के कारण समय बहुत बदल गया है। उन्होंने इस मौके पर उन्होंने देश के ख्याति प्राप्त कवि सुरेंद्र शर्मा की कविता सुनाई और कविता में समय के बदलते हुए परिवेश को दिखाया। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था, माँ बाप के साथ साथ में थी मेरी दो बहनें, दो मेरे भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कवि को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक वक्त था सोचता था मैं कि मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, और लानत है इस दौर को सोचता हूं अब कि ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। इस आयोजन में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कवि रूप और अद्भुत अंदाज देखने को मिला, जिन्होंने अपने हाथों से बुजुर्गों को मिष्ठान खिलाया और उनका सम्मान किया। जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र द्वारा जिन वृद्धजनों को सम्मान किया उनमें 108 वर्षीय सर्वश्री गोविंद दास समाधिया, उद्दू उस्ताद, रामश्री गोस्वामी, हरिराम मिश्रा, माता दीन शर्मा, जेपी यादव, विदेती देवी झा, रामनारायण तिवारी, हरि सिंह हरीश और रामदास दुबे के नाम शामिल है। कार्यक्रम के संयोजक संतोष गुबरेले थे। सम्मानित वृद्धजनों ने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। दतिया से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।